नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशलैन जी का है। इस समय बुद्ध और उनका धम्म का जो अध्याय हम आपके पास पहुँचा रहे हैं, वो अध्याय है तृतीय कांड के तीसरे भाग से लिया हुआ, और ये पाँचवा अध्याय जिसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि ये मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, यही धम्म है। मतलब यदि कोई धम्म जीवन में बना है तो उसे ये स्वीकारते हुए चलना है कि सभी संस्कार ये अनित्य है। तो आइए इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। और बाबा साहेब लिखते हैं कि अनित्यता के सिद्धांत के तीन पहलू है। बाबा साहब इसमें समझा रहे हैं, अनित्यता के सिद्धांत के तीन पहलू है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है, और व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। ये जो प्राणी है, ये प्राणी भी अनित्य है, ये एक सा कभी भी नहीं होता। अगर कोई सूक्ष्मता से अपना स्वयं का भी अध्ययन कर ले तो उसमें हर दिन, हर पल, हर क्षण परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वो बदल जाता है, मतलब वो एक सा कभी नहीं रहता। हमारे जीवन में सारी स्थितियां एक सी कभी नहीं रहती। तो ये अनित्यता है, इस अनित्यता को हमने स्वीकार कर लेना चाहिए। ये अनित्यता प्राकृतिक है, प्रकृति ही नित्य नहीं है, हमेशा एक जैसी कभी नहीं होती है। इसलिए इसे अनित्यता के भाव में, अनित्यता के रूप में हम इसको स्वीकार लें। दूसरी बात बाबा साहेब ये लिखते हैं कि अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई ये चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ये अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई है और ये अनित्य है। और फिर प्रतीत समुत्पन्न वस्तुएं हैं, मतलब हर एक प्रत्ययों के साथ एक कारण आता है, कारण के साथ कोई नया परिणाम आता है, नए परिणाम से फिर कोई नई चीज बनती है, तो ये परिणाम उस चीज का कारण बन जाता है, और फिर उससे आगे 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 ऐसे ही ये संसार चलता रहता है। तो प्रतीत समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व ही अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजों की अनित्यता की ये बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह से समझाई है। तो बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में असंग जो है, बौद्ध दार्शनिक है, बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक है, तो इनकी बात अनित्यता के सिद्धांत की वो बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहेब ने लिखी है। देखिए बाबा साहेब असंग के द्वारा अनित्यता का सिद्धांत अब इसमें समझा रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि सभी चीजें, असंग का कहना है कि हेतुओं और प्रत्ययों से उत्पन्न होती है। ये बात बाबा तथागत बुद्ध ने बहुत बेहतर तरीके से समझाई है। प्रत्येक चीज के पीछे, प्रत्येक उत्पन्न जितनी भी चीजें हैं उन सब के पीछे एक निश्चित कारण होता है। असंग इसी बात को और भी विस्तारित रूप से समझा रहे हैं। हेतुओं और प्रत्ययों से उत्पन्न है, किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, किसी का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व कहीं नहीं है, चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। जब हेतु और प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है तो वस्तुओं का अस्तित्व नहीं होता। जब किसी भी परिणाम के आने के जो कारण है वो कारण ही खत्म हो जाते हैं, जब वो कारण ही नहीं होते तो कोई भी चीज कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। बाबा साहेब लिखते हैं आगे, यह असंग की बात है। बौद्ध दार्शनिक
प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नामक चार महाभूतों का परिणाम है। जब इन चारों महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है तो प्राणी नहीं रहता, यानी कि जब शरीर बिखर जाता है तो प्राणी नहीं होता है। किसी भी प्राणी का शरीर जब वो बिखर जाता है, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु ये इकट्ठे होते हैं तो प्राणी देखने को मिलता है, लेकिन जब ये बिखर जाते हैं तत्व, तो प्राणी कहीं भी नहीं दिखता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है। इसके कहने का अभिप्राय यही है कि जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है, वह है नहीं, वह हो रहा है। आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल मेल खाता हुआ सिद्धांत कि कोई भी प्राणी है नहीं, वो होता रहता है, यानी हर पल हर प्राणी बनता 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 चलता है और फिर जहां वो बिखर जाता है तो खत्म हो जाता है और फिर किसी नई चीज के साथ वो मेल खाकर आगे बढ़ लेता है। जैसे कि बड़ी सामान्य सी बात उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, ये दोनों वातावरण में है, दोनों अपने अपने अलग अलग फॉर्म में है। दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो पानी बन जाता है, पानी का बाष्पीकरण हो जाता है तो फिर वे बिखर जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को तो खत्म नहीं करते, लेकिन जिस रूप में थे वो रूप बदल जाता है। और इसी तरह ये संसार यूं ही बदलता चलता है, तो कोई भी चीज स्थायी नहीं है, वो बदल रही है, वो परिवर्तित हो रही है। और इसलिए बाबा साहेब यही बात समझा रहे हैं कि ये कहना सबसे अच्छी बात है कि जीवित प्राणी अगर उसकी अनित्यता को समझाना है तो उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वो है नहीं, प्राणी है नहीं, प्राणी हो रहा है, वो होने की प्रक्रिया चल रही है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका है, यानी कि जैसे हम जो कल थे वो आज नहीं है, हम थोड़ी देर पहले जैसे थे वैसे इस वक्त नहीं है, बदल चुके होते हैं, पल पल बदलते हैं हम। और इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, न वह वर्तमान में कर रहा है और न भविष्य में करेगा। भविष्यतः काल का प्राणी रहेगा, भविष्यत काल का प्राणी रहेगा लेकिन न रहा है न रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन न रहा और न रहेगा। वर्तमान में यह प्राणी दिख रहा है लेकिन यह रहेगा नहीं, यह बदल जाएगा, यह ऐसा नहीं होगा। संक्षेप में इसी बात को अगर समझना है तो संक्षेप में यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, हर पल वो बदलता चलता है। अगर हमें इस चेतना के विकास की प्रक्रिया को अगर समझना है तो थोड़ा सा अपने आप को एक कंपैरेटिव स्टडी की स्थिति में लेकर चले जाइए और ये देख लीजिएगा कि आप इस वक्त जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में उस वक्त आज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आप अपनी उम्र के साथ टैली करके देखिएगा कि आप उनकी उम्र में जैसे थे वैसे ही क्या आज के बच्चे हैं। नहीं, वो आज के बच्चे बदल चुके हैं, चेतना विकसित हो चुकी है। जो समझ हमारे उस वक्त की थी वो समझ आज के उन बच्चों की नहीं है, जो हमारी उम्र में उस वक्त के बच्चों की समझ थी। तो इसलिए ये संसार यूं ही ऐसा ही बदलता रहता है और यहां का हर एक प्राणी भी अनित्यता के इसी दायरे में होता है और अनित्यता की कोई सीमा नहीं है। बस वर्तमान में जो प्राणी दिख रहा है यह है, लेकिन यह कल रहेगा नहीं। भविष्य में कोई प्राणी दिखेगा लेकिन वो भविष्य में वैसा प्राणी होगा नहीं, वो उससे आगे बदल जाएगा। इस सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए समझ सकना कुछ कठिन है। बाबा साहेब कहते हैं यह समझ लेना कि आदमी किसी न किसी दिन अवश्य मर जाएगा, यह बड़ा आसान है। सामान्य आदमी के लिए यह समझना बड़ा ही आसान है कि मनुष्य
किसी ना किसी दिन मर जाएगा, ये बात सत्य है। किंतु ये समझ सकना कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित होता रहता है, ये उतना आसान नहीं है। हम जीते जी अपने आप को, अपने बदलाव को कैसे महसूस करें, कैसे सीखें, कैसे समझें, ये समझना आसान नहीं है। इसके लिए बड़ा सूक्ष्म अभ्यास करना होगा, सूक्ष्म अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन की जरूरत पड़ेगी, ये कैसे संभव है। बाबा साहेब एक सवाल करते हैं, लिखते हैं कि ये कैसे संभव है। भगवान बुद्ध का उत्तर था, ये इसलिए संभव है कि हर चीज अनित्य है। यहां नित्य कुछ भी नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाला कुछ भी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, आज जैसी है वैसी अगले क्षण नहीं होती, अगले क्षण उसका विस्तार हो चुका होता है, उसका रूप बदल चुका होता है। लेकिन ये परिवर्तन बड़ा सूक्ष्म होता है, इस सूक्ष्म परिवर्तन को हमने उतनी ही सूक्ष्म अध्ययन के साथ ग्रहण करना होगा। हम यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।